नमस्कार दोस्तों, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है और वहां पर दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि पूरे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं, यहां तक कि हमारे जैकी श्रॉफ जी, टाइगर श्रॉफ, अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड के लेजेंड हैं, अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े कलाकार यहां पर आ रहे हैं, बॉलीवुड के कलाकार, इसके बाद साउथ के कलाकार भी आ रहे हैं, जैसे प्रभास हो गया, इसके बाद वहां रॉकी भाई, ये सारे लोग राम मंदिर के उद्घाटन पर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन आप लोगों को पता है कि हमारे हिंदू धर्म पर चार शंकराचार्य है और इस चारों के चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे। शंकराचार्य क्या होता है दोस्तों, तो आप लोगों को बता दूं कि धर्म का जो सर्वोच्च गुरु होता है उसे शंकराचार्य कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म पर चार शंकराचार्य है, चारों दिशा की ओर, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, ये चारों दिशा पर चार शंकराचार्य है। ये चारों में से कोई भी शंकराचार्य नहीं आने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी का ये बयान सुन, अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं जिसके वजह से हमारे चारों शंकराचार्य नहीं जाने वाले, तो पहले आप लोग अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य का ये बात सुनिए। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े, ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया, हमारे धर्मशास्त्र। तो दोस्तों आप लोगों ने इन शंकराचार्य का बात तो सुन ही लिया होगा। वहां पर जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है वो अभी राम मंदिर पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी 30-35% अभी और बनना बाकी है, जबकि राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो अभी पूरा भी नहीं हुआ है और इसका उद्घाटन किया जा रहा है। जो शंकराचार्य बता रहे हैं ये धर्म के विरुद्ध है, यानी ये धर्म के अनुसार नहीं चल रहे हैं, इसके वजह से हमारे चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जाने वाले हैं। वहीं पर उड़ीसा के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, उनका कहना है कि वहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, तो उनके हाथों से हमारे भगवान श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो हम शंकराचार्य वहां पर जाकर के क्या करेंगे, वहां पर सिर्फ हम ताली बजाने के लिए जाएंगे, ये निश्चलानंद सरस्वती जी का कहना है। और ये चारों शंकराचार्य जो धर्म का सर्वोच्च गुरु माने जाते हैं, वो चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। इसी पर दोस्तों कांग्रेस के नेता ने भी निशाना साधा, उन्हें भी आमंत्रित किया गया, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है वहां पर इनको भी बुलाया गया। तो यहां पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन सारे नेताओं का भी यही कहना है कि राम मंदिर का पूरा निर्माण कार्य नहीं हुआ है, यानी 30-35% अभी राम मंदिर बनना बाकी है और इस प्रकार से इनका उद्घाटन करना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारे कांग्रेस के नेता का भी कहना है और ये भी कहना है कि जितने भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो अपने वोट बैंक को बचाए रखने के लिए कुछ इस प्रकार से साजिश कर रहे हैं और राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार से हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारे इंडिया पर 81% हिंदुओं का जो संख्या है, वो वोट बैंक इधर उधर ना जाए। आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट पर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।